हेलो स्टूडेंट्स, देखो बोरॉन कार्बन फैमिली हमने स्टार्ट किया था। ये 11th क्लास के पी ब्लॉक में आता है और हमने कहा था कि बोरॉन के कंपाउंड्स में तीन कंपाउंड बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो तीन कंपाउंड कौन से हैं। बोरेक्स वो पढ़ लिया हमने और बोरेक्स के तीन चार पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, जैसे एक बफर सॉल्यूशन के रूप में बिहेव करता है। जैसे एक मोल बोरेक्स जो है वो बेसिक नेचर का होता है तो दो मोल एच प्लस से रिएक्शन करता है, इस तरह के। और प्राइमरी स्टैंडर्ड है, ये हमने कुछ पॉइंट्स बोले थे, एंड इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ बोरॉन एज वेल एज बोरिक एसिड। दूसरा कंपाउंड जो हमें पढ़ना है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक इट अप, कौन सा? बोरिक एसिड। और इसके बाद भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड आने वाला है कौन? डाइबोरेन। डाइबोरेन की तो केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर भी अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग और थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट कंपाउंड इन दिस सीरीज, व्हाट? बोरिक एसिड। तो लिखो कंपाउंड बोरिक एसिड। रूम कंडीशन पे एक सॉलिड होता है, वाइट पाउडर H3BO3 और BOH3। कई इंपॉर्टेंट बातें हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोरिक एसिड के बारे में होती है कि भाई इसका टाइट्रेशन नहीं कर पाते हम। जेई एडवांस ने तो दो बार सवाल पूछ लिया उसके ऊपर कि हम इसका टाइट्रेशन NaOH की मदद से कर नहीं पाते, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वीक एसिड। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा चुका होता हूँ, एक बार फिर दोबारा से मैं आपको इसको रिवाइज करवाऊंगा। तो चलिए बात करेंगे प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोरेक्स सॉल्यूशन बाई एसिडिफाइंग बोरेक्स एक्वस सॉल्यूशन। बोरेक्स तो आप जानते हो, Na2B4O7 प्लस HCl या H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन लो वाटर की प्रेजेंस में, देन इट विल फॉर्म बोरिक एसिड BOH3 और H3BO3 इज ऑब्टेन। प्लस सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट लिया है तो सोडियम सल्फेट विल बी फॉर्म्ड। तो बोरिक एसिड कैन बी ऑब्टेन, सो दिस इज बोरिक एसिड। और जनरली ये कम सॉल्युबल होता है, बोरिक एसिड वाटर में ठंडे में कम सॉल्युबल है, सॉलिड के रूप में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। दिस इज बोरिक एसिड। रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। देयर आफ्टर इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाई कॉलमनाइट ओर फ्रॉम, मैंने बताया भी था कि वन ऑफ द चीफ ओर ऑफ बोरॉन इज कॉलमनाइट, तो कॉलमनाइट ओर से भी ऑप्टेन करते हैं। व्हाट डू वी डू? Ca2 फॉर्मूला याद रखना, B6O11 व्हेन SO2 गैस इज पास्ड इनटू इट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म्स CaHSO3 ट्वाइस एक्वस प्लस बोरिक एसिड इज ऑप्टेन। So this is how reaction is there. I'm not writing the balanced chemical reaction. They don't ask. Balancing karni ho to accordingly you can do. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। Balancing से आपको याद नहीं हो पाती reactions, और कई बार objective pattern होता है question का, तो most of the cases में generally they ask the product कि क्या product obtain होगा। तो boric acid can be obtained like this also. Now the third method BX3, जिसमें X chlorine, bromine, आयोडीन, आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है BCl3, BBr3, Bi3 का। याद करो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ मैंने एंड में, और ये भी बताया था क्यों BF3 का हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता। BF3 अंडरगोस पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जबकि BCl3, BBr3 एंड Bi3 अंडरगोस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड फॉर्म्स S3BO3 प्लस HCl। So like that it is obtained. याद रखेंगे BF3 does not undergo complete hydrolysis. वो क्यों? Because of the formation of HBF4. तो BF3 जब पानी से reaction करता है तो H3BO3 बनाता है प्लस 3HF बना लिया मान लो यहाँ पर, और 3 और 3 6 हैं तो 3 ले लिया। बट ये जो BF3 है ना, ये HF के साथ रिएक्शन करके HPF4 बना लेता है,
और ये एक स्टेबल ठीक ठाक कंपाउंड है, तो तीन ये कंज्यूम हो जाती है तीन से, एक तरीके से ओवरऑल रिएक्शन हो गई 4BF3+3H2O कन्वर्टिंग टू H3BO3 प्लस, तीन से मल्टीप्लाई किया तो यहां 3HBF4। नो, HBF4 इज नॉट द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट, यही सिखाया था मैंने आपको। तो BF3 अगर बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है तो हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। HBF4 इज नॉट द काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस, कहां वाटर जुड़ा, तो इसका मतलब चार मोल में से एक ही मोल का हाइड्रोलिसिस हो पाया, एंड दीज आर ऑब्टेन इन 1:3 मोलर रेशियो। तो कहने का मतलब BF3 डज नॉट अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, NCERT में है ये क्वेश्चन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जब NCERT पढ़ोगे ना, बोरॉन कार्बन फैमिली का 11th क्लास वाली जो चैप्टर चल रहा है, वहां ये मेंशन है क्यों BF3 हाइड्रोलिसिस नहीं करता, बिकॉज इट फॉर्म्स द कंपाउंड लाइक HBF4 बोरोफ्लोरिक एसिड। नोट करें रिएक्शंस, दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स। एक और प्रिपरेशन मेथड डाइबोरेन से भी ऑप्टेन कर सकते हैं, डाइबोरेन इमीडिएटली रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म बोरिक एसिड। नोट करो पहले पूरी बात, सब इंपॉर्टेंट है, बोरिक एसिड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हर रिएक्शन बोरिक एसिड की, डाइबोरेन की एंड बोरेक्स की, वो जेई मेन जेई एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया ध्यान से लिखना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, याद करना होता है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर कैसे करें, कैसे करने का कोई पॉइंट नहीं है, बैठ के बार बार पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो याद हो जाती है चीज़ें, कॉन्फिडेंस भी आता है। अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन B2H6 डाइबोरेन, डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस करा दो, इमीडिएटली इट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म S3BO3 एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड आउट। तो इस तरीके से ये रिएक्शन करता है, तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू शुड रिमेंबर। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड, बोरिक एसिड व्हाइट पाउडर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हैज एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग। हालांकि ये सब एच बॉन्डिंग मैं कहां पढ़ा चुका हूं, इन केमिकल बॉन्डिंग, मना नहीं कर सकते आप, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाती है। तो इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट हाईली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठंडे पानी में नहीं घुलता मगर गर्म पानी में घुल जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में याद रखेंगे। अच्छा दूसरा, ये तो IIT ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट इज अ वीक मोनोबेसिक एसिड, माइंड इट इट्स नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, इट डज नॉट लूज प्रोटोन, ये HCl टाइप का नहीं है, एसिडिक एसिड टाइप का नहीं है जो H+ लूज कर दे पानी के अंदर, नो, इट इज ए लुइस एसिड। इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट IIT ने पूछ लिया, इनफैक्ट इट इज अ लुइस एसिड। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे BOH थ्राइस है, अगर ये OH- से रिएक्शन कर रहा है, ये लुइस बेस की तरह बिहेव करेगा और ये लुइस एसिड की तरह, एंड देन इट विल फॉर्म BOH4-। इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा। तो याद रखें लुइस एसिड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड, इट इज ए मोनोबेसिक एसिड, मतलब एक मोल OH- से रिएक्शन करेगा, बट इट इज ए लुइस एसिड नॉट द प्रोटोनिक एसिड। So this is a very very important point you should remember. JE already पूछ चुका है advanced में, main में कभी भी आ सकता है, note करी ये बात, note it down. अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे आने वाला हूं of boric acid. क्या महत्वपूर्ण बात है, पहले ये note करेंगे, हटा दूं, लिख लिया,
देन कम्स थर्ड। ये बहुत ही वीक एसिड है इसलिए इसका टाइट्रेशन नहीं करा पाते हम, सिंस बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड जिसका पीके लगभग 9.25 है। 25 है कि 35 है? 25 पीके, के की वैल्यू 10^-10 का ऑर्डर है, काफी वीक एसिड है। और ये बात आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ी है कि ये इन ऐसे बहुत वीक एसिड का टाइट्रेशन हम सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सिंस बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरली टाइट्रेटेड विद NaOH ड्यू टू लैक ऑफ स्टीप सेक्शन और इन टाइट्रेशन कर्व। वी डू नॉट गेट शार्प एंड पॉइंट। मान लो फिनोप्थलीन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, शार्प एंड पॉइंट नहीं आता जिसकी वजह से इसका टाइट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। बहुत वीक एसिड या बहुत वीक बेसिस का टाइट्रेशन हम नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि उनमें स्टीप सेक्शन टाइट्रेशन कर्व में नहीं होता। सर ये क्या बोल रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ो, मैंने पढ़ाया है, बोरिक एसिड का स्पेशल केस लिया हुआ है, वहां इस बात को बताते भी हैं कि बहुत वीक एसिड या बहुत वीक बेस का टाइट्रेशन नहीं हो पाता, स्टीप सेक्शन नहीं मिलता। और थ्योरी ऑफ इंडिकेटर्स पढ़ा रखा है मैंने आपको, वहां ये बात बोली भी है कि स्टीप सेक्शन अगर होगा तो प्रॉपर इंडिकेटर सेलेक्ट कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम क्या है? बोरिक एसिड एक बहुत वीक एसिड है, पीके 9 के आसपास है, कैन नॉट बी सेटिस्फैक्टरी टाइट्रेटेड विद NaOH ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टीप सेक्शन इन टाइट्रेशन कर्व, वी डू नॉट गेट शार्प एंड पॉइंट। क्या करें, फिर छोड़ दे क्या? ना ना, छोड़ेंगे क्यों, हर समस्या का हल होता है। सर नींद बहुत आती है, हल है आपके पास, अच्छा खाओ, दिमाग में बस पढ़ाई रहनी चाहिए, नींद कैसे आएगी? सर सर्दी बहुत है, रजाई में बड़ी बढ़िया नींद आवे है। और वो तो सबको ही आवे, मुझे भी आवे भैया। फिर ऐसे थोड़ी, टारगेट आपका आपकी आंखों में हर समय होना चाहिए कि भाई मुझे JEE क्वालिफाई करना ही है, मुझे एक डिजायर्ड रैंक लेके आनी है। तो फिर कुछ नींद वींद ना आएगी, रजाई को सबसे पहले उठाल कर फेंक दो, सुबह सुबह 6 बजे ना है, उठ कर फेंको, बाहर आओ, कुल्ला उल्ला करो, जरा पानी वानी पियो, थोड़ा सा नींद भाग जाएगी। तो देखो ये सब तो ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टाइट्रेशन, तो फिर क्या करें, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सिस 1,2 डायोल इज एडेड, जैसे इन द फॉर्म ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लिसरोल, मैनिटोल, सैलिसिलिक एसिड, कैटिकोल, शुगर्स एटसेट्रा। अरे एथिलीन ग्लाइकोल जैसे, कैटिकोल जैसे ये होता है इस टाइप का, सैलिसिलिक एसिड जैसे, कुछ के फॉर्मूले तो मुझे भी याद हैं, सबकी याद करने की जरूरत नहीं है, नाम सफिशियंट है। OH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा हाथ थोड़ा तंग है बट ठीक है, CH2OH, CHOH, CH2OS, कोई भी सिस, एथिलीन ग्लाइकोल क्या फॉर्मूला, CH2OH, कोई भी सिस 1,2 डायोल, डायोल होना जरूरी है और सिस होना जरूरी है, तो ये मिलाने के लिए मिलाए थे। उससे क्या होगा, क्या होगा जरा देखें, देखो ये होगा, देखो ये हुआ क्या, जैसे बोरिक एसिड है BOH3, मान लो इसने वाटर से रिएक्शन की और बहुत ही वीक एसिड है, और ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट ही नहीं होता, बैकवर्ड मेनली शिफ्टेड होता है, जैसे क्या BOH4- + H3O+,
ये बहुत ही वीक एसिड है, क्यों? पी के ए नियरली 9.25 है। अच्छा, ये मिलाने पर क्या हुआ? एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल या मैनिटोल या सैलिसिलिक एसिड या कैटिकोल या शुगर्स, शुगर्स में भी OH लिंकेजेस होती हैं एडजेसेंट कार्बन्स पर, सिस पोजीशंस पर, तो दैट आल्सो विल वर्क। तो ये सिस 1-2 डाइओल मिलाने से हुआ क्या? हुआ क्या, मैं यही बात करता हूं, ये एक रिवर्सिबल नेचर की रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, ये IIT में आ चुका दो बार IIT में आ चुका है, ये एडवांस्ड में, मेन में भी शायद एक बार कहीं ना कहीं आया हुआ है ये। अब इतने सारे पेपर होते हैं, मुझे भी याद ना रहता कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ आ गई, बट IIT में कुछ बात आती हैं तो उनमें से कॉमन कॉमन चीज़ें जो हैं JEE मेन भी पूछता है। ज़रा ऊपर की ये बात लिखो, मैंने बात पूरी कंप्लीट की नहीं है, I'll do it, तो लिखो ज़रा पूरी बात, नोट इट डाउन। मैं अभी मैंने मिटा दिया इसको, मैं दोबारा लिख लूंगा। देखो यहाँ, जैसे ये बोरिक एसिड था, प्रॉब्लम क्या थी? पानी के साथ ये एक बहुत ही वीक एसिड, इस सिंबल का मतलब समझते हो ना, कि इक्विलिब्रियम इज वेरी लिटिल शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो इट फॉर्म्स BOH4 माइनस प्लस H3O प्लस, और PKa बोरिक एसिड का That is 9.25, बहुत ही वीक एसिड है। क्या फायदा मिलेगा? आपने मिला दिया सिस 1-2 डाइओल, तो क्या हुआ? बी बोरॉन के तो सभी कंपाउंड टेट्राहेड्रल होते हैं, यही था ओवरऑल चार्ज माइनस था। अब ये HO, ये सी HOCCOH, यहां से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ये वाटर विल बी लॉस्ट, -4H2O। ये सिस 1-2 डाइओल है जो आपने मिलाया है, ध्यान से सुनना, लॉजिक लगाना, सिस 1-2 डाइओल, उससे क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया, ये वाला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स OCC, ये एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया, स्टेबल टेट्राहेड्रल, बोरॉन के सभी कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होते हैं। सर ये कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है, 11वीं के बच्चे सोचते हैं, 12th क्लास में चैप्टर होता है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, पूरा बड़ा चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 बोलते हैं उसको हम, केमिकल बॉन्डिंग के बड़े भाई साहब, हाँ पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब बस होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिक्र वैसे मैंने 2-3 बार 11th क्लास में किया हुआ होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बोरिक एसिड का जब टाइट्रेशन कराते हैं तो दिक्कत ये आती है, बहुत वीक एसिड है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती ही नहीं, एंड पॉइंट हमें शार्प मिलता ही नहीं है इंडिकेटर से, तो सिस 1-2 डाइओल मिला दो थोड़ा सा, तो क्या करेगा वो इस कंपाउंड के प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, एंड दिस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज रिमूव्ड आउट, व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज रिमूव्ड आउट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ, आपने रिमूव कर दिया, कंजम्पशन ऑफ कौन, BOH4-, तो BOH4- जो है वो खत्म हो गया, वन ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन रिमूव्ड आउट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सा प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, तो थ्रू द ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अब कौन कहता है कि रटने की चीज है, रटने की चीज है ये, दिस इज प्योरली फिजिकल केमिस्ट्री, दिस इज प्योरली आयनिक इक्विलिब्रियम, कौन कहता है रटने की चीज है, कुछ तो रटना होता है, 30% अगर रटना है तो 70% ब्लॉक केमिस्ट्री में लॉजिक है, ढूंढ के देखो हमारी आंखों से, हमारी नजरों से, समझ गए बात को।
वो इंटरेस्ट के ऊपर है, इंटरेस्ट शो करो, यही अच्छा लगेगा, खूबसूरत सुंदर। लिखो, तो ये था रीजन। तो दिस इज हाउ आफ्टर एडिंग सिस वन टू डायोल इट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्गर एसिड एंड नाउ टाइट्रेशन कैन बी सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म। कौन कौन से कंपाउंड मिलाते हैं सिस वन टू डायोल में? मोस्ट कॉमन केसेस एथिलीन ग्लाइकोल, जेई एडवांस्ड आस्क्ड। Salicylic acid we can add, glycerol we can add, mannitol we can add, catechol we can add, sugars also have the adjacent OH groups at the cis positions. तो ये सब important बातें थी, that is quite important. I have explained you out here. Note करो पूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण point था ये boric acid का, note it down. Some more reactions are there about the boric acid. जैसे हीटिंग इफेक्ट, नाउ फोर्थ रिएक्शन हीटिंग इफेक्ट, जैसे बोरिक एसिड है H3BO3, आप इसको हीट करते हो अराउंड 370 केल्विन, तो पहले HBO2 बनाता है मेटाबोरिक एसिड, एंड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग फर्दर इट गिव्स B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड। और बोरॉन ऑक्साइड, तो बोरिक एनहाइड्राइड और बोरॉन ऑक्साइड इज फॉर्म। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने कहा ना बोरेक्स, बोरिक एसिड, और इन सब के भी गुरुदेव कौन? त्रिदेव गुरुदेव कौन? डाइबोरेन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाइबोरेन पे पूछे जाते हैं, और डाइबोरेन इज प्रॉबली वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल कंपाउंड, और उसके तो यूजेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ज्यादा हैं, क्योंकि डाइबोरेन के जो सॉल्ट्स होते हैं जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये कंपाउंड तो इतने इंपॉर्टेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहां तहां रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जैसे नेक्स्ट बोरिक एसिड की HF से रिएक्शन, H3BO3 प्लस HF इट फॉर्म्स फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 प्लस 3H2O। बैलेंसिंग करो तो यहाँ चार आ गया लाइक दिस। बोरिक एसिड तो सॉलिड होता है, लिक्विड से रिएक्शन कराओ सो इट फॉर्म्स फ्लोरोबोरिक एसिड। सो दिस रिएक्ट्स लाइक दिस। अल्कोहल से रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद अल्कोहल्स, H3BO3 और BOH3 रिएक्ट करता है अल्कोहल से 3C2H5OH। एल्काइल बोरेट की वेपर्स बनती हैं, और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में 12th क्लास में एक इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होता है, एल्काइल बोरेट वेपर टेस्ट, जिसे बर्न कराते हैं तो ग्रीन एस्ट फ्लेम के साथ इट बर्न्स। अगर कोई 12th का या ड्रॉपर स्टूडेंट्स अगर इसको पढ़ रहा होगा तो वो समझ जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, आ ये तो पता है मुझे, वो समझ जाएगा इस बात को। तो क्या बनाएगा ये? BOC2H5 thrice एल्काइल इथाइल बोरेट वेपर्स, इथाइल बोरेट वेपर्स बर्न विद ग्रीन एज्ड फ्लेम। तो ये बर्न होते हैं ग्रीन एज्ड फ्लेम के साथ, ये बर्न करते हैं, ये टेस्ट है एक तरीके से बोरेट आयन का। तो BOC2H3 बनता है एंड H2O इज ऑक्टेन। तो अल्काइल बोरेट वेपर्स हैं, अल्काइल की जगह स्पेसिफिक कौन सा ग्रुप है यहाँ? इथाइल। तो इथाइल बोरेट वेपर्स आर फॉर्म्ड विच बर्न विद अ ग्रीन एज्ड फ्लेम। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेस्ट, हालांकि क्वालिटेटिव एनालिसिस में वी शैल स्टडी दिस इन क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ बोरेट आयन। तो गाइज ये थी सब रिएक्शंस, यूजेस, मैं यूजेस भी लिख देता हूं यहां पर, यूजेस ऑफ बोरिक एसिड। एक तो बोरिक एसिड जो है वो एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, तो आई वॉश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका एक्वा सॉल्यूशन, तो एन एंटीसेप्टिक
एंड एक्वस बोरिक एसिड इज यूज्ड एज एन आई वॉश लिक्विड्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ग्लास इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. यूज्ड इन ग्लास पॉटरी इंडस्ट्री. ये थे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस प्रिपरेशंस अबाउट बोरिक एसिड. नोट करें. दैट्स इट फॉर नाउ.